अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नरजिस काजमी हूँ और मेरा नाम मीडिया के हवाले से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और मैं एंकर भी हूँ और इसके साथ साथ न्यूज़ रीडर हूँ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग इस्लामाबाद में। इसके अलावा जी कालम लिखती हूँ, ब्लॉग्स लिखती हूँ और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ और इसके साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाती हूँ, कुछ ड्रामा में भी काम किया है। मतलब अपने शौक़ हर तरह से पूरे करने की कोशिश की, लेकिन इन सब में सब जो बहुत अहम चीज़ है वो एक सहाफ़ी होने की हैसियत से, एक एंकर होने की हैसियत से, मीडिया पर्सन होने की हैसियत से मेरा अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार होना, लगन होना, लगाव होना। अपने काम को करने के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा कह लें कि पुरजोश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना हर काम बहुत ज़िम्मेदारी से अंजाम दूँ। तो बात शुरू करते हैं। मेरे साथ मुफ्ती कवि साहब मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल कवि साहब, बड़ी मारूफ व मशहूर व मारूफ हस्ती और इसके साथ बहुत बड़े आलम, और इनके साथ बहुत सी बातें अभी होंगी प्रोग्राम में। और लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा मुफ्ती कवि साहब के साथ मुलाकात कैसे हुई और इन तक मैं कैसे पहुँची और आज हम इस स्टूडियो में बैठे, हम दोनों इस स्टूडियो में बैठे आज एक दूसरे से मुतारिफ भी हो रहे हैं और एक मसले को भी डिस्कस किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों कबल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, उससे पहले कुछ और वीडियोस वायरल हुई। एक अहले हदीस मुफ्ती थे, उनकी वीडियो थी और उसके बाद एक अहले तशी थे, कोई जाकिर थे, उनकी वीडियो वायरल हुई। और लेकिन उन दोनों वीडियोस के साथ ही मुफ्ती अब्दुल कवी की वीडियो भी वायरल कर दी गई। ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे हमें पता चला है वीडियोस के हवाले से कि कौन सी असली है कौन सी जाली है, उस हवाले से आपको डिटेल्स बताती चलूं कि जब ये तीनों वीडियोस इकट्ठी आई तो मैंने एक पोस्ट लगाई अपनी वॉल पे और मैंने बस इन तीनों की पिक्चर्स उस पोस्ट के साथ अटैच कर दी। ऊपर मैंने जो कुछ लिखा, मैंने किसी को कोई निशाना नहीं बनाया, किसी के बारे में कोई बात नहीं की, बस मैंने इतना कहा कि इतना किया कि मुफ्ती अब जो थे एक अहले हदीस के उनकी और जो शिया के जो जाकिर थे उनकी और मुफ्ती कवि खान साहब की मैंने पिक्चर लगा दी। अब मुझे होता है ऐसा है कि मुझे इंग्लैंड से कॉल आती है, एक बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं आबिद काजमी उनका नाम है, CNI न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, तो उनकी मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि आपने पिक्चर जो लगाई हैं आप इनमें से मुफ्ती कवि साहब की जो पिक्चर है वो हटा दीजिए। मैंने कहा ऐसा क्या वाक़या हो गया, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं उनकी पिक्चर हटा दूँ। उन्होंने कहा कि मैंने इस वीडियो का फॉरेंसिक करवाया है और जो मुफ्ती साहब की वीडियो है वो मुकम्मल तौर पर जाली है, जबकि दूसरे दो जो अफराद हैं शख्सियात हैं उनकी वीडियो 100% ओरिजिनल है। मुफ्ती साहब की जो वीडियो है, मुफ्ती अब्दुल कवी खान साहब की जो वीडियो है, उस हवाले से उन्होंने मुझे कहा कि इसमें बाकायदा बहुत मेहनत करके छोटे छोटे बार बार मतलब एडिट करके जो टुकड़े हैं वो इनके फेस के एक और जिस्म के साथ जोड़े गए हैं और उसके बाद ये वीडियो जो है बनाई गई है और इस कदर मतलब बारीकी से बनाई गई है कि इसका असल पर गुमान होता है। अब इस हवाले से प्रोग्राम के एंड में हम आपको दिखाएंगे वो रिपोर्ट भी, हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे जाली है, वो आपके सामने वो सब बातें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, हम ऐसे शामिल करेंगे प्रोग्राम में भी। लेकिन उससे पहले मैं अब बात करूंगी, मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई, मैंने पोस्ट लगाई और मैंने पोस्ट ये लगाई कि उसके बाद इस पोस्ट के बाद जब मुझे पता चला कि मुफ्ती साहब जो है वो इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह है, तो मैंने फिर ज़ाहिर है मुझे पशेमानी हुई, शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी की एक तो ये नेचर होनी चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, उसका फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। सबसे पहले मैंने अपनी गलती को कबूल किया कि मुझसे ये गलती हुई है। उसके बाद मैंने एक और पोस्ट लगाई, उसमें मुफ्ती साहब की पिक्चर लगाई और मैंने सबसे दरख्वास्त की कि ये जो वीडियो मुफ्ती साहब के नाम से, मुफ्ती अब्दुल कवी खान साहब के नाम से वायरल हो रही है ये मुकम्मल तौर पर जाली है, आप भी इसे अपनी मैं उनकी पिक्चर लगाने पे शर्मिंदा हूँ अपनी वॉल पे अपनी एक पोस्ट में, तो मैं उनकी वो पिक्चर हटा रही हूँ और मैं मुझे बहुत ज़्यादा इस हवाले से
पशेमानी भी है, और दूसरा मैं इस चीज़ का अजाला, अपनी इस गलती का अजाला इस तरह कर रही हूँ कि मैं आज आप सबको बता रही हूँ, आप भी उनकी वीडियो हटा दें और यकीन करें कि वो वीडियो जाली है। तो अब ये तो बात आ गई आपके सामने। अच्छा, अब ये है कि जब इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जब मीडिया के सामने आती हैं, लोगों के सामने आती हैं, मीडिया के पास आती हैं, फिर मीडिया से तमाम लोगों के पास जाती हैं, तो जिसके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं, जिसके स्कैंडल्स हम सामने ला रहे होते हैं, उनके दिल पे क्या बीतती है, इस हवाले से मैं पूछूंगी मुफ्ती अब्दुल कबीर खान साहब से। सर, आप क्या कहते हैं, क्या हुआ जब आपकी वीडियो सामने आई, आपको कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? मुहतरमा, बात यह है कि जब आप गुफ्तगू कर रही थीं तो दो हवालों से मेरे अंदरूनी जो कैफियात हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह से बिल्कुल खलबत में हूँ, और उसकी वजह से मस्जिद, मदरसा, घर, तालीमी इदारे, उसके मुताबिक जहाँ जहाँ अल्लाह ने मुझे रकबा और ज़मीन दिया है और उनके जो मामलात हैं उनको मैं देख रहा था। तो जिस दिन ये जाली और फर्जी और बेमानन जनाब वीडियो वायरल हुई है, मैं रियासत भावलपुर में था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अल्लाह ने मुझे 25 मुरब्बे दिए हैं, उनकी देखभाल मैं कर रहा था, तो मुझे मुख्तलिफ फ़ोन आना शुरू हो गया। और उस वक्त मेरे पास फ़ोन, यानी 6 माह से कौन सा है, वो छोटा टेलीफोन जिस पर ऑडियो की सहूलत है, वीडियो की सहूलत ही नहीं है। एक तो लोगों ने उसी वक्त समझ लिया कि जब मुफ्ती साहब 6 माह से सिर्फ ऑडियो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके अहले खाना ने उनके तमाम वो टेलीफोन अपनी तावील में ले लिए हैं जिनसे वीडियो बने, जिस पे वाईफाई की सहूलत हो, फेसबुक की, लेकिन उसके साथ ही जब मुझे आपकी तरफ से और इंग्लैंड की तरफ से वो फॉरेंसिक रिपोर्ट की खुशखबरी मिली, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर एक जश्न का समा था। तो उस वक्त जनाब फिर मैंने बच्चों को कहा कि अब आप मुझे वो टेलीफोन दे दें जिस पे ये वाईफाई की और इस तरह की सहूलत हो। तो उस सिलसिले के अंदर मैंने सबसे पहले नवाफिल शुक्राना अदा किए, और आप खुश होंगी कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो जुमे का दिन पहले गुजरा है उसके अंदर लोगों ने नवाफिल शुक्राना अदा किए, क्योंकि लोग समझते थे कि मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब तो आजकल खलवत में हैं, ये जनाब दरमियान के अंदर कैसे मुफ्ती साहब ने वीडियो जनाब खुद बना ली या किसी और ने वीडियो बनाई और इस तरीके की। फिर अल्लाह का जो फजल है वो ये है, जिस तरह आप फरमा रही थी छोटे छोटे टुकड़े जोड़े हैं, उसके अंदर इतना बड़ा पेट दिखाया गया है किसी साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने तो मुझे जिस्मानी फिटनेस अता फरमाई है। आपका मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए इसलिए आज आपको तकलीफ़ दी थी कि ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि आप ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने हकायक तक पहुँचने में, फिर हकायक सामने आ जाने के बाद आगे इंसानियत तक पहुंचाने में जो किरदार अदा किया है। बिलखसूस आपका मेरे ऊपर भी एहसान है, मेरे ख़ानदान पर भी एहसान है, मुझसे मोहब्बत और प्यार करने वालों पर भी एहसान है, और सारे आपके लिए यूँ समझें कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं मेरी तवस्सुल से। फिर आपने देखा कि जनाब आपकी इजाज़त से हमने साइबर की तरफ गए, ये साइबर की वो दरख्वास्त है, अल्हम्दुलिल्लाह साइबर वाले भी 1-1.5 घंटे के बाद उस सरगने तक पहुँच गए जिसकी ये सारी जनाब मामलात थे। उसके बाद फिर आपने एक मेहरबानी की कि मैंने आपको कहा कि आप दोबारा इंग्लैंड की किसी और इदारे से भी फॉरेंसिक रिपोर्ट लें, वो भी जनाब आपने इस मामले में किरदार अदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला जी आपकी इज्जतों में अजमतों में चूँकि आप सैयद हैं, मुझे यकीन था कि सादात की तरफ से ही अल्लाह मेरे ऊपर करम फरमाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हमारी, मैं कहूँगा, इस्मत, शराफत और पाक दामनी को, यानी देखे मैं लिखता हूँ कि जिस आदमी ने या जिस इदारे ने ये शरारत की है, अजीब सी बात है कि एक मकतब फ़िक्र के लाहौर के मौली साहब उनका एक आया, फिर उसके बाद एक और जनाब मकतब फ़िक्र का आया, आपने बड़ी हिम्मत ये की कि तीनों को भेजा फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए। उन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहता, वो आप ही बता चुकी हैं कि जनाब वो असली हैं और ओरिजिनल हैं। मैं तो अल्लाह से अपने बारे में पूछता हूँ, मेरी तो हमेशा ज़बान भी, मेरा जहन भी हमेशा मुस्बत रहा है। तो आज आपको जो तकलीफ़ देने की हमने जनाब वो जिसारत की, वो इसीलिए की ताकि आप ही के ज़बानी वो तमाम हकायक देखने और सुनने वालों को मालूम हो जाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए की, क्योंकि जहाँ ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है वहाँ जनाब खुद देखने वाला भी देखने के फौरन बाद अगर थोड़ा सा अपना जहन और अक्ल को इस्तेमाल कर ले तो वो समझ सकता है कि मुफ्ती साहब तो 6 माह से खलबत में हैं, कहाँ मुफ्ती साहब ने जनाब ये वीडियो बना ली या किसी और ने वीडियो बना ली और मुफ्ती साहब किसी 5-स्टार होटल के अंदर ये जनाब इस तरह के मामलात कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये देख लिया कि यार इतना बेडब्बा किस्म का, मुझे तो बहुत सारे लोगों को फ़ोन ये आया कि जब हमने वो जिस्म देखा, इस तरह की बॉडी देखी और पेट देखा, तो हमने कहा कि यार ये तो हमें कह आ रही है, मुफ्ती साहब तो हमारे पसंदीदा और हमारे महबूब मजहबी रहनुमा हैं। तो बहरहाल मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ,
तमाम देखने वालों के सामने ये जो मैं हाथ दस पसता, पहले तो अल्लाह की बारगाह में सिजदे शुक्र बजा लाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम नवाफिल शुक्राना पढ़ रहे हैं और मेरी फैमिली इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुतमईन हुई, मेरा ख़ानदान मुतमईन हुआ, तो उसके साथ ही पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों की तादाद में जो अहबाब हैं मुझसे प्यार करने वाले, हज़ारों की तादाद में लोगों के फ़ोन आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सुरखरू किया। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं और अब उसके बाद सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस जुरत का और जिस अमानत व दियानत व सदाकत का आपने जिस अंदाज़ से जनाब ये मामला किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसी जुरत के साथ मज़ीद भी दुनिया के सामने ये बताने की कि ये हकायक हैं और ये जनाब क्या है, फ्राड है, जाली है, धोखा है और इस तरह के जो बेचीज़ें बेमाना और बेअसल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेरे लिए भी, मेरे ख़ानदान की तरफ से भी, मेरे अहबाब की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत हदिया तबरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जब मैं मिलने आई हूँ मुफ्ती साहब से, और आप यकीन माने इनकी बेटी की कॉल आई है, इन्होंने कहा ये मेरी बेटी से बात करें, बेटी से बात की, एक बेटी और जिसके बाप को इस तरह पूरी दुनिया के सामने ला के उसको इस बुरे तरीके से स्कैंडलाइज किया जाए कि आप खुद सोचें एक बेटी कितनी शर्महया वाली होती है, और उस बेटी के सामने एक वीडियो ऐसी है, तुम्हारा बाप देखो क्या कर रहा है, तो क्या बीतती है उस बेटी पे, क्या बीतती है उस बेटी की आंखों में, क्या शर्महया है, वो क्या सोच रही है कि मेरा बाप पूरी दुनिया उनको देख रहा है। तो जिस तरह मेरा जो उनसे बात हुई और जिस तरह वो जज्बाती थी, आप खुद सोचें, आप भी बेटियों वाले हैं, आप सोचें आपके सामने, बेटी के सामने कोई आपकी वीडियो इस तरह की बना के, जाली वीडियो बना के कहे ये तुम्हारा बाप है, ये उसके करतूत है, तो बहुत कम होगा अगर बेटी उठ के खुदकशी ना कर ले। ठीक है, फिर एक माँ, फिर मेरी आपकी मदर के साथ बात हुई, इनके अम्मी के साथ बात हुई, तो एक माँ और वो किस तरह रोती है अपने बेटे के लिए, वो कैसे बेटे के लिए उसके दिल में क्या तड़प है, एक माँ को पता है मेरा बेटा मासूम है, माँ ने पेट से जना होता है, माँ को अपने बेटे के बारे में पता होता है कि मेरी औलाद कैसी है, वो क्या कह रही है मुझे, आप खुद सोचें अगर आपकी माँ पर इस तरह बीते तो आप खुद सोचें कि क्या हालत होगी आपकी माँ की। तो ऐसी चीज़ें करते हुए या ऐसी चीज़ों को आप सोशल मीडिया पर या न्यूज़ पे वायरल करते हुए, आप ये ज़रूर सोच लिया करें कि घर में माएँ बहनें बेटियाँ सबकी हैं, ख़ानदान सबके हैं, इसी तरह मुफ्ती साहब भी हैं, सादे इंसान हैं, इनके बारे में जो भी वीडियोस बनी जो भी उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ, जो अभी का टॉपिक है, इनका जो स्कैंडल है जो अभी आया, उस हवाले से मैं बात करूँगी कि सब अपनी माँ बहनों और बेटियों के हवाले से सोचें उनकी क्या इस वक्त कैफियत होती है जब आपके बारे में कोई गलत बंदा बात करे। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन बहरहाल ये मसला तो हमने सुलझा दिया, वीडियो मुकम्मल तौर पर जाली है और किस तरह इसको एडिट किया गया है, ये प्रोग्राम के एंड में आपको साथ में हम ज़रूर वो भी रिपोर्ट लगाएंगे, वो आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी नरजिस काजमी और मुफ्ती अब्दुल कवी खान साहब को, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।